ये जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, मेरे साथ हैं जी आज शिराज भाई। आज की वीडियो शिराज भाई के नाम, और आज का सीन क्या है वो मैं आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ। शिराज भाई, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह। थैंक यू वेरी मच आपका आने का लाहौर। और आपकी मोहब्बत है, अरे आपकी मोहब्बत है। मैं बड़ी देर से आना चाह रहा था लेकिन बस टाइम नहीं मिल रहा था। अच्छा जी, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उबान होटल में और यहाँ पर चल रहा है बुफे नाश्ता। बहुत बड़ा है ये जी, यहाँ से हम शुरू करेंगे। क्या कुछ है जिसमें गुड़ वाला नान भी है, मीठा पराठा है जिसमें, सूजी का हलवा, ये आ गए जी पूड़े और भटूरे, दलिया, इसमें जो ऑमलेट वगैरह, जी रेड बीन करी है, रोस्टेड पोटैटो है ना जी, साढ़े वाली गल नहीं। आगे आ जाते हैं जी, ओए कैश ब्राउन पोटैटोस, यार ऑमलेट तो रिफिल कर ली। मकई की रोटी और साथ में जी पालक, मकई की रोटी तो ख़त्म है। आलू की भुजिया, सबसे जो यहाँ पे है मज़े की चीज़ वो ये कीमा, चिकन कीमा है। अच्छा जी, इसके अंदर है जी चिकन निहारी, चिकन निहारी जी। लाहौर के अंदर आके चिकन निहारी खानी है जी हमने, सिलेंडर सी। चलिए अब मैंने इसमें डाल लिया, ये उमर भाई जी ये ले आए हैं, इनसे मिलिए। उमर भाई क्या हाल है? ये जी हमारे उस्मान भाई, क्या हाल है? ठीक है। उसके पीछे ज़रा देखिएगा, ये गौर से चीख चेहरा देख लीजिए वाला। तवा कीमा खाना है तो यू कैन जॉइन मी। ये जी निहारी के लवाजमात, अस्सलाम वालेकुम मैडम, क्या हाल है? ठीक है। हाँ जी, आप नहीं अभी तहकीक कर रहा हूँ, अभी शुरू की है।
लंबा नहीं होगा, बड़ा हो गया है। ये आ गया जी हमारे पास चिकन तवा कीमा। क्या ये देखिएगा जी, ये प्रोफेशनल जो है ना हमारे ब्लॉगर भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं। आज हमने इनसे बड़ा कुछ सीख के जाना है कि कैमरा कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, आपसे सीखना है। नहीं, हम तो सिर्फ रोटी खाना जो है वो ही सीख रहे हैं और कैसे खाते हैं बस मैं ये बताऊंगा आपको कि फूड व्लॉगिंग के अंदर कैसे खाते हैं। ये हमारे डॉक्टर बाबर साहब आ चुके हैं जी। डॉक्टर साहब, क्या हाल है जी? ठीक हैं आप? ठीक हैं आप? अल्लाह का शुक्र। बेकरी आइटम्स हैं जी सारी। और ये हमारे काशिप भाई, ये आ गए जी फ्रेश जूसेस। आई थिंक सो। सैलड्स हैं जी, फ्रेश सैलड्स भी हैं और पिकल्स हैं डिफरेंट किस्म के। ये योगर्ट है, शादी पे नहीं वीडियोग्राफर आ गए बना रहा होता है बंदा स्कूल से खा रहा कोई नहीं। अच्छा जी, एहसन भाई मेरे साथ मौजूद हैं। एहसन भाई ना थोड़ा सा गाइड करेंगे मेरे जैसे जो न्यू व्लॉगर है ना कि वो कैसे अपनी व्लॉगिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। व्लॉगिंग स्किल्स के बारे में पूछना चाहिए। बस मेरी यही आपको थोड़ा सा मशवरा है कि आप एडिटिंग स्किल्स पे थोड़ा ज़्यादा काम करें, ज़्यादा कंटेंट पे अपने काम करें, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कंटेंट। ठीक है, और थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे लोगों से, थोड़ा सा डिफरेंट चलेंगे तो फिर आपको इंशाल्लाह अच्छा रिस्पांस मिलेगा। एडिटिंग के हवाले से मतलब अगर लर्निंग ऑनलाइन या कोई इस तरह का प्लेटफॉर्म या कोई यूट्यूब से? हाँ जी, यूट्यूब पे आपको मतलब यूनिवर्सिटी की हैसियत हासिल है। हाँ जी, हर तरह का स्किल्स पे अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन सीखना चाहते हैं तो बहुत ईजी है, हर तरह की लैंग्वेज में आपको चीज़ें मिल जाती हैं। तो आप इंशाल्लाह उससे अगर आप मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो ज़रूर, अगर आप मुझे कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको लिंक वगैरह सेंड कर दूँगा। अच्छा, दूसरा ये है कि अगर एक बिगनर है बंदा जी, जी वो बिल्कुल इनिशियल लेवल पे एडिटिंग करना चाहता है, कोई इसके लिए कोई ऐप या कोई सॉफ्टवेयर अगर आप रिकमेंड करें तो?
अगर आप डेस्कटॉप पे करना चाह रहे हैं तो फिल्मोरा एक बेस्ट है, क्योंकि प्रीमियम प्रो थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा उसमें आपको स्किल रिक्वायर्ड है, उसको सीखना पड़ेगा आपको प्रॉपर, ठीक है। लेकिन अगर आप यानी कि स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप फिल्मोरा से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, वो अच्छा सॉफ्टवेयर है। और अगर कोई मोबाइल से एडिटिंग करता है तो कप कट है एक ऐप बड़ी अच्छी है, उससे भी आप उसको यानी कि ना एडिटिंग कर सकते हैं। इस तरह की और भी ऐप्स हैं, आप उसको यूज कर सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है। कैसा भाई पुरजोर फरमाइश पे बड़े फेर से आए बाल की गजल सुना सारे तो शहीद बन जाएंगे इधर नहीं नहीं वो तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ मेरी सादगी देख क्या चाहता है सितम हो के हो वादा बेहिजाबी कोई बात सब्र आजमा चाहता हूँ ये जन्नत मुबारक रहे जादों को कि मैं आपका सामना चाहता हूँ ज़रा सा तो दिन हो मगर शोक इतना वही रंग तरानी सुना चाहता हूँ कोई दम का मेहमान हूँ ए अहल महफिल चरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ भरी बज़्म में राज की बात कह दी बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ क्या वो कहते हैं कि दमे आरफ नसीम सुबह दम है इसी से रेशा ईमानी में नम है अगर कोई शवेब आए मयसर शबानी से कलीमी दो कदम जब आप जैसे अच्छे लोगों की सोबतें मिलती हैं ना जिंदगी में तो शबानी से कलीमी का दर्जा शबानी कहते हैं कमतर दर्जे का और कलीमी कलीमुल्लाह से तो वो आला दर्जा है तो वो कहते हैं कि आपका दर्जा कम से आला हो जाएगा अगर आप अपनी सोबतों में अच्छे लोगों को शामिल कर लें तो अच्छे लोगों का आपकी ज़िंदगी में आना ऐसे है जैसे सुबह की ठंडी हवा चल रही हो ना जैसे भी आप बात कर रहे थे कि ताजगी आती है डिप्रेशन चला जाता है तो हमने भी आज का दिन ऐसे नाम किया है सारे सफ़र में तो वो दमे आरफ नसीम सुबह दम कहते हैं सांस को आरफ कहते हैं अल्लाह वाले लोगों को अच्छे लोगों को तो दमे आरफ नसीम सुबह सुबह की ठंडी हवा तो ये जो अच्छे लोग होते हैं ये सुबह की ठंडी हवा की तरह होते हैं तो सांस में बहाली आती है तो फिर अल्लाह ताला आपके कमतर दर्जे को आला कर देता है। अब दोबारा शेर पढ़ें। हाँ अब दोबारा शेर सुना देता हूँ कि दमे आरफ नसीम सुबह दम है इसी से रेशा मानी में नम है अगर कोई शवेब आए मुजस्सर शबानी से कलीमी दो कदम है। एक दफा दोबारा ट्रांसलेशन इसके अलावा मुझे और कोई चीज़ ऐसी लगती नहीं जिस चीज़ें कह रहे मुझ में कोई ऐसा खासा नहीं जिन साहब में ज़रूर होगा एक और खासा नहीं वो कह सकते हैं कि नहीं कि मैं हूँ तो यह नहीं सिर्फ इससे चीज़ ने बचाया है कि किसी की बात किसी के साथ वो गलत बात ना करे वो फैलती 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 खराब हो जाए इसे शराज भाई बहुत बहुत शुक्रिया जी जज़ाकल्ला शुक्रिया आप इतनी दूर से आ गए यार आपने इस तरह का मौका क्रिएट किया तो मैं आ गया हूँ बंडल होता है थैंक यू जी।